चाहता तो रुकवा ना देता। साला भी हम लोग का मार रहे, लेडीज का मार रहे पुलिस वाला। अरे इन्होंने पुलिस बुलाई, 10,000 रुपए कह रहे ड्यूटी वाले, हमने दिए हैं दीवार पुलिस वाले को। सलोनी वाली कहाँ जाएंगे इस टाइम? स्वागत है आप सभी का इस नेशनल लाइव में, और नेशनल लाइव की टीम इस वक्त बिंदापुर में पहुंच चुकी है। आप देख सकते हैं ये जो पूरा भीड़ लगा हुआ है, डीडीए के द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है, लगातार बंद करने का प्रयास किया जा रहा है। लोगों से हम बात करते हैं कि क्या समस्या है। मैम क्या समस्या है? अरे रोड बंद करिए, हमारा आने जाने का रास्ता है, अब क्या करें? डीडीओ वाले सारे हमें बंद कर रहे, हमारी जगह बंद कर रहे। कॉलोनी वाले कहाँ जाएंगे इस टाइम? हमारे छोटे बच्चे स्कूल यहीं से ही है, बाद में बना है, पहले ये पब्लिक है यहाँ पे। अरे इन्होंने पुलिस बुलाई, 10,000 रुपए कह रहे डीडीओ वाले, हमने दिए हैं दीवार पुलिस वाले को। अरे ये सारी पुलिस वाले पब्लिक लेडीज पे लाठी चार्ज कर रहे हैं, और किसी का सिर पुलिस वाला भी हम लोग का मार रहे, लेडीज का मार रहे पुलिस वाला। सब पुलिस डंडा चलाया था लेडीज पर, हम लोग लेडीज पर पूरा पुलिस डंडा चलाया था। परवीन कुमार, परवीन कुमार चाहता तो रोकवा ना देता। बेटे को जेल में ले गए, एक को घर में ईंट मार दिया, पुलिस वाले ने डंडा मार दिया। क्यों क्यों मारा, क्यों मारा, क्यों मारा पुलिस वाले ने, क्यों मारा पुलिस वाले ने? प्रवीण, आप यहाँ के जो पार्षद हैं प्रवीण कुमार, उनसे बात हुई? हाँ हो गया। क्या किया उन्होंने अरे उसमें भी दम है, उसे दम होता बात नहीं होती। सर फोड़े, एक का सर फोड़ दिया, समझे? इस वक्त नेशन लाइव की टीम जो है बिंदापुर में पहुंच चुकी है, और बिंदापुर में डीडीए द्वारा जो है जबरदस्ती लगातार दीवार बनाया जा रहा है, और जो है दीवार बना के आम जनता को परेशान करने का मकसद है। लोगों से जानते हैं, मैम क्या समस्या है आप लोगों को, ये क्यों रोका जा रहा है? हमारी समस्या ये है, हमारे स्कूल हैं बच्चों के, हमारे पास रास्ता नहीं है, हमारा रास्ता बंद कर रहे हैं डीडीए। हम चाहते हैं डीडीए दीवार नहीं लगाए, खुला रास्ता रखे हमारे 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 आदमी बीमार हो जाए, हम बीमार हो जाए, कॉलोनी वाले बीमार हो जाए, तो कहाँ जाएंगे? डीडीए वाले हमें रास्ता दे दो, अपनी दीवार लगा लो। डीडीए वाले रास्ता दे दो हमें, अपनी दीवार लगा लो। हम नहीं चाहते हक हमारे रहते रहते हमारी दीवार लगा, हमें पहले रास्ता दो फिर दीवार लगा लो, है ना? हमारे कोई भी हमने हॉस्पिटल जाना या कहीं पर कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे, क्यों लगा रहे हैं दीवार? 40 साल हो गया हमने आया ना, 40 साल यहाँ, या दीवार नहीं थी, अब डीडीए बाद में बनाया है, डीडीए बाद में बनाया है, अब ये दीवार लगा रहे। आपसे ये जानना चाहेंगे, ये पुलिस वाले क्यों ये लगा रहे हैं, डीडी वाले क्यों बंद कर रहे हैं इसको? मर गए ना वो, इनके बहु बेटे उठा के ले आए हम, इसीलिए वो बंद कर रहे हैं। हम 85 से रह रहे हैं यहाँ, आज हमारा रास्ता बंद हो रहा है, हम बोलेंगे नहीं बाबू, हम बोलेंगे नहीं, कहाँ जाएंगे हम, हम कहाँ जाएंगे बताओ, कहाँ जाएंगे? इससे तो मैं तो मर जाऊंगी यहाँ पे, और सबका भला करूंगी मैं, तब तक पानी भी नहीं पीऊंगी जब तक मेरा रास्ता खुला नहीं हुआ। मैं लड़के के लिए कुछ नहीं बोल रहा, लड़का ने क्या करा, इनके बहु बेटी तो उठाई नहीं, लड़का मेरा आ जाएगा, लेकिन हम रोड के लिए मर रहे हैं, रोड बंद क्यों कर रहे हैं ये? कहाँ गए वो बड़ा सरकार? आप लोगों से विधायक को फोन नहीं किया इस मामले में? हमने सबसे फोन कर लिया, सब कोई नहीं सुन रहा हमारी, सब एक है सारी। यहाँ पे विधायक, इस एरिया का विधायक और पार्षद दोनों आम आदमी पार्टी के हैं, राजेश ऋषि परवीन, कोई सा आगे नहीं देख रहे यहाँ पे। उधर का विधायक खड़ा होकर दीवार करवा रहा है, जो उधर का नरेश बालियान है वो खड़ा होकर काम करवा रहा है, यहाँ के विधायक के दर्शन नहीं है, यहाँ का राजेश ऋषि है। दीवार करने के बाद क्या चोरी नहीं होगी वहाँ पर, पहले पूछो। नरेश बालियान, देश राज राघव की गुंडागर्दी चल रही है यहाँ पे, ठीक है? इन्होंने जबरदस्ती रास्ते बंद करवा रहे हमारे, मारा विधायक की साठ गांठ हो रही, विधायक आ नहीं रहा यहाँ, ठीक है? ठीक है ना? आपसे जानना चाहूंगा कि ये दीवार इससे पहले थी नहीं, ये जब से कॉलोनी बसी है ना जी, ये बसा है 95 में डीडीए फ्लैट, और ये बसी हुई है 80 से, जब से रास्ता है यहाँ पे। अब ये जबरदस्ती, अब दो चार घर बन गए हैं तो वो जबरदस्ती दीवार को बनवा रहे हैं, और इनपे कोई ऑर्डर नहीं है, आप इनपे ऑर्डर देख लो, कोई ऑर्डर हो तो इनपे बनाने का। आपसे ये ऑर्डर नहीं है इनके पास, दीवार बनाने का कोई ऑर्डर नहीं है इनके, इनके पास रिपेयरिंग का ऑर्डर है, दीवार बनाने का कोई ऑर्डर नहीं है, ये गुंडागर्दी कर रहे हैं बहुत ज्यादा। हाँ, इस पर से लेडीजों ने पत्थर चलाया, मेरे भाई का सर फटा, इनका सर फटा है, और हमें इंसाफ चाहिए, हमारी दीवार यहाँ के हटनी चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए, हम लोगों के जन्म कर्म के पहले से यहाँ पे बसा हुई है, हमें इंसाफ चाहिए, हमें लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए। इन्होंने सर फोड़ा, पत्थरबाजी की, औरतों पे भी हाथ उठाए, आदमियों पे भी हाथ उठाए, और इन्होंने
देख सकते हैं कि प्रशासन की गुंडागर्दी भी सामने आ रही है। आप देखिए, पुलिस वाले ने मारा लड़के को, वो लड़के को मार मार के उसने वो कर दिया। चले दीवार भी है, दीवार गिरी भाई, दीवार गिरवानी है भाई। यहाँ से गाड़ी उड़ी भाई, जहाँ निकलने के लिए कहाँ से, यहीं से रास्ता था भाई सबका आने का। मैं बताता हूँ, इससे पहले कोई दीवार नहीं थी, ठीक है। यहाँ पर खेत थे, यहाँ पर कुछ नहीं था। यहाँ से बच्चे स्कूल जाने के लिए, तीन स्कूल है, कहाँ से जाएंगे बच्चे? एक ही मेन रोड है, यहाँ तक नवादा तक जाती होती है, दूर दूर से बंदे आते हैं। मैंने देखा, इन्होंने मारा और उन्होंने मारा, और मैंने इनसे मने की थी कि डंडे मत चलाना। मैंने इनको खुद समझाया था कि डंडे ना चलाना, लेकिन ये लोग नहीं माने। इनके फोटो होने चाहिए भाई। इन्होंने डंडा मारा है, इन्होंने मैंने मने कर, ऊपर से ईंटें बरसाई है, हमारे थे क्या वो जो ऊपर से? हाँ, ये हमारे ऊपर ईंटें बरसा रहे थे ऊपर से, और उस लड़के के सर में डंडा मारा और उसके माँ के सर में ईंट मारी। साफ तौर से आप देख सकते हैं कि पुलिस की गुंडागर्दी भी सामने आ रही है, जिस तरीके से डीडीए द्वारा जो है सड़कों को रोका जा रहा है। देखिए, डीडीए वाले जबरदस्ती रास्ता बंद कर रहे हैं और गलत वर्क ऑर्डर करवा के लेके आए, और आज तक 40-50 साल से यहाँ पर जो रास्ता खुला हुआ था वो रोड खुली हुई थी यहाँ पर, और अब जबरदस्ती यहाँ पर लगाने का काम कर रहे हैं। वो कॉलोनी वालों के लिए निकलने के लिए रास्ता नहीं है यहाँ पर, अगर कोई दुर्घटना हो जाती तो कॉलोनी वाले निकलेंगे कहाँ से? ये हमारी मांग है कि यहाँ पर रोड जो है वो खुली रहनी चाहिए, और हमारा कोर्ट में मामला चल रहा है। 2-3 दिन में हमारी 26 तारीख को हमारी सुनवाई है कोर्ट के अंदर, कोर्ट में जो डिसीजन होगा उसके अंदर डिसीजन लेंगे हम लोग। पर जबरदस्ती आज पुलिस फोर्स यहाँ पर, इन्होंने आज हमारे यहाँ महिलाओं के सर फोड़े हैं, हमारी महिलाओं के ऊपर लाठीचार्ज किए, बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज करके पुलिस फोर्स जबरदस्ती यहाँ पर रोड ये दीवार करवाने का काम कर रही है। यहाँ पर जो है ऑर्डर जो है कॉपी इनके पास में है उपलब्ध, या ऐसे जबरदस्ती इसको जो है? एक वर्क ऑर्डर करवाया जो कि गलत है। 40-50 साल से यहाँ पर रोड नहीं थी, जब इस दीवार नहीं थी, आज वो कह रहे हैं यहाँ पर दीवार थी, तो दीवार का कोई प्रूफ तो उनके पास होना चाहिए। उनके पास कोई प्रूफ नहीं है, जबरन वो वर्क ऑर्डर करवा के लेके आ गए। उस वर्क ऑर्डर को हमने कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है, चैलेंज कोर्ट में हमारी 26 तारीख की तारीख है, उसमें हम स्टे लेंगे इसके अंदर। बट इतना इनको जल्दी हो रही है कि जबरदस्ती फोर्स के माध्यम से यहाँ पर दीवार को करवा रहे हैं। कौन लग रहा है कि इसके पीछे कौन है जो दीवार बनवा रहा है, या कौन इसके पीछे मकसद? देखिए, यहाँ पर डीडीए के लोग हैं, वो यहाँ पर दीवार करवाने का काम कर रहे हैं। दीवार जो डीडीए के जो लोग हैं वो यहाँ पर जबरन दीवार करवाने का काम कर रहे हैं। और देखिए आप कितने तरीके से, यहाँ पर दोनों थाने की पुलिस आई हुई है, दोनों सच्चे आए, एसीपी साहब आए हुए हैं। मैंने उनको बोला भी कि वर्क ऑर्डर जो है वो गलत हो रखा है, अभी हमारी एमसीडी के अधिकारियों से ही बात चल रही है, वर्क ऑर्डर गलत है, आप 2-3 दिन का टाइम दीजिए। हमने इसको कोर्ट में चैलेंज किया वर्क ऑर्डर को, उसके बाद हम उसको स्टे लेंगे इसके ऊपर। स्टे के बाद अगर कोर्ट डिसीजन लेता है तो उसके बाद आप देख लीजिएगा, दीवार को आने की जरूरत पड़ी तो हम खड़े होकर करवाएंगे दीवार यहाँ पर। आपको नहीं लगता जिस तरीके से जनकपुरी के विधायक जनता की हमेशा बात करते हैं, आपको आज जो है सपोर्ट मिल रहा है आपके विधायक का? देखिए, विधायक जो है राजेश सिंह जी, वो गुजरात गए हुए पार्टी के काम से, ठीक है, उनको नहीं पता था यहाँ सिचुएशन ऐसी होनी चाहिए। जनता के प्रतिनिधि हम लोग सब, यहाँ कोई राजनीतिक विषय नहीं है, यहाँ हर पार्टी के आदमी को आना चाहिए, और हमारा मकसद है कि यहाँ दीवार नहीं होनी चाहिए। एक आम रास्ता है, उसको बंद करने का काम किया जा रहा है। आम रास्ते को बंद क्यों कर रहे हो आप, जब 50 साल से यहाँ पर दीवार नहीं थी, आज को जबरन दीवार लगाने का काम कर रहे हैं, और इतनी जल्दी है और जबरदस्ती यहाँ काम कर रहे हैं, लाठीचार्ज कर रहे हैं हमारी माता बहनों के ऊपर यहाँ पर। ये बंद कर दिया तो हम जाएंगे कहाँ से? इससे पहले दीवार थी क्या यहाँ? कभी भी नहीं थी, ऐसा कभी हमने देखा ही नहीं। अब रास्ता रहेगा अगर आप लोग, अगर ये बंद हो जाता है दीवार, तो इसके बाद रास्ता रहेगा आपको निकलने का कहीं? सर, रास्ता नहीं है, अब बहुत दूर से पूरा घूम कर जाना पड़ेगा स्कूल में। एक घंटा लगेगा तो घर जाके बच्चे 2 घंटे पहले स्कूल घर से निकलेंगे क्या स्कूल के लिए? हमारे छोटे छोटे बच्चे घर में और भी सारे काम है। आजकल का माहौल इतना खराब चल रहा है, जहाँ देखो मारपीट, खून का लूटपाट हो रही है, आजकल बच्चे भी चोरी हो रहे हैं। अगर यहाँ पे दीवार लग जाएगी तो आदमी आते हैं वो कहाँ से आएंगे? मेरे आदमी को, बच्चे कुछ हो जाएगा तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो इन्होंने दीवार करवा रहे हैं, एक हमेशा पहले वहाँ करवाई थी, वहाँ भी यही कहा गया था कि ये दीवार हट जाएगी, पुलिस वालों का ये कहना होता है कि हट जाएगी दीवार है, और लाठी चार्ज करते हैं, लेडीज को मारते हैं पुलिस वाले, और वो डीडीए वाले बोलते हैं कि हमें पैसे दिए। डीडीए वाले कहते हैं हमने पुलिस को पैसा भरा,
पुलिस वाले कहते हैं मैं कोर्ट से वो है, इनका कोर्ट का देखो कहाँ है पर्चा। कांग्रेस नेता इस समय अमर तिवारी हैं, सर बताइए कि क्या मामला है पूरा और क्यों इस विवाद को बढ़ावा मिल रहा है? देखिए इसमें जो वर्क ऑर्डर जो अभी हुआ है, जिस तरीके रेडी का कहना है वो दीवार लगाने का नहीं है, उस वर्क ऑर्डर के आधार पर यहाँ पर एक दीवार को ही रेडी ऐसा कहता है कि पहले से थी, उसको हमने यहाँ पर रिपेयरिंग कराने के ऑर्डर दिए, पर यहाँ पर आज तक 25 साल के अंदर 30 साल के अंदर कोई भी किसी भी प्रकार की कोई दीवार नहीं हुई है। और आज ये पूरी तानाशाही है, आप जिस तरीके से देख सकते हैं पुलिस को आगे करके डीडीए ने जो ये काम करवाया है, जहाँ पर 50,000 आदमी रह रहे हैं और जहाँ पर 2,000 डीडीए में आदमी रहते हैं, तो दिक्कत परेशानी डीडीए के अंदर तमाम 7-8 स्कूल हैं। अगर कोई ये छोटी छोटी गलियों में अगर कोई भी फायर ब्रिगेड, अगर कोई आग लग जाए, एम्बुलेंस की ज़रूरत हो, तो कोई भी गली ऐसी नहीं है जहाँ से कोई फायर ब्रिगेड जा सकती है। यही एक मेन गली थी जिसके अंदर आज उसमें तानाशाही से दीवार लगाने का काम किया जा रहा है। कई बात ये आ रही कि कई महिलाओं को जो है पुलिस द्वारा जो है पीटा गया, मारा गया, उनके सर भी फोड़े गए, आपका क्या कहना है इस पर? देखिए मैं तो कहूँगा पुलिस को पार्टी नहीं बनना चाहिए इसके अंदर, पुलिस इसमें डीडीए की तरफ से पार्टी बनकर काम कर रही है। मैंने अभी एसीपी साहब से इस बारे में बात करने की कोशिश करी, एसीपी साहब का कोई जवाब नहीं आया। इस क्षेत्र के नेता जो हैं, यहाँ पर पूर्व निगम पार्षद रहे हैं देशराज राघव जी, आम आदमी पार्टी से हैं, यहाँ के विधायक आम आदमी पार्टी से, जब जब चुनाव नज़दीक आता है तब वो इस काम को लिए, ऐसे ही 6 महीने पहले उन्होंने पिछले दीवार पीछे गली में एक दीवार का ये काम किया था, उन्होंने आश्वासन दिया कि हम वहाँ पर गेट लगवा के देंगे, यहाँ भी कल वो गेट की बात कर रहे थे, अगर आज गेट भी लग रहा होता तो शायद आज ये हंगामा और इस तरीके के लोगों को चोट नहीं लगी होती, तो आज गेट की भी बात नहीं है, आज दीवार खड़ी होने की बात कर रही है। तो ये तानाशाही है उन लोगों की और कुछ नहीं है, इस पर हम पूरी कार्रवाई करेंगे और जहाँ से होगा इस दीवार को हटवाने की भी पूरा प्रयास करेंगे। तो हमारे साथ कांग्रेस नेता अमर तिवारी बात कर रहे हैं और लगातार ये बता रहे हैं कि डीडीए को जो है पुलिस फेवर कर रही है और लगातार लोगों को परेशान किया जा रहा है। यहाँ इन पुलिस वालों ने लेडीज को भी मारा और लड़के को भी सिर फाड़ दिया, वो थाने में गाड़ी में कहाँ लेटा रखा है, ये पागल हो रखी है, क्यों कर रहा है ऐसा? आप देख हमारे साथ अनहद अत्याचार क्यों हुआ? रास्ता चाहिए हमें, चाहे मरे हम मिटे, हमें चाहिए रास्ता, हम उधेर देंगे दीवार को। आप पीछे अगर देखें तो एक महिला जो है सामने जो है परेशान हो गई और इसको मारा गया है, बुरी तरह से पुलिस द्वारा पीटा गया है, तो लगातार इनका विरोध भी हो रहा है। साफ तौर से ये भी कहा जा रहा है जिस तरीके से यहाँ पर लगभग 50,000 लोगों को जो बता रहे हैं तिवारी कांग्रेस के नेता कि 50,000 लोगों का है, अगर इमरजेंसी के तौर पर इनको कहीं जाना या निकलना पड़ेगा तो ऐसे हालात में वो कहाँ से निकलेंगे? जिस तरीके से पुलिस प्रशासन जो है मदद कर रही है और दीवार बनाने में सहयोग कर रही है, हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे और बात करेंगे कि आखिर इस पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए और क्या है जनता की राय। डीडीए साफ तौर से लोगों पर जुल्म कर रही है और इसका विरोध करने के लिए देख सकते हैं पूरा हुजूम इस समय लगा हुआ है और उन लोगों का कहना है कि इस दीवार को नहीं बनने दिया जाएगा, जब तक हम लोग यहां पर हैं इस दीवार को नहीं बनने दिया जाएगा। आगे ये अभी बात कर रहे हैं और लोग ये कह रहे हैं कि मामला जो है कोर्ट में है तो फिर इतना जल्दी क्यों है, ये बड़ा सवाल डीडीए के लिए भी है, आखिर जब पूरा मामला कोर्ट के अधीन है तो ऐसे बीच में दीवार बनाने की जल्दी क्या है? कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी रोहित, मैं शिवशंकर उपाध्याय, धन्यवाद।